जुनार्दो तामिया विगत माह पूर्व साजकुई के करीब मढ़ाल ढाणे में लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोह को रोकने के गए पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें टीआई प्रीति मिश्रा घायल भी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा 18 ग्रामीण पर मामला दर्ज किया गया था, जहां समाज द्वारा इसका विरोध किया गया था। इस मामले में 18 लोगों को जेल भेज दिया था। इन सब बातों को लेकर आदिवासी समाज ने मांग की कि प्रीति मिश्रा पूर्व टीआई तामिया ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, जिसको लेकर टीआई प्रीति मिश्रा पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आदिवासी और गुंडवाना समाज ने टीआई प्रीति मिश्रा का पुतला जलाने का प्रयास किया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, साथ ही पुलिस से झड़प भी की गई। चुनाव दे छिंदवाड़ा से राजेश डिहरिया की रिपोर्ट। उद्घोषण प्रीति मिश्रा टीआई प्रभारी थाना, तो उनके ऊपर अभी तक एससी एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हुई है। इसको लेके अनिश्चितकालीन धरना 8 तारीख को भी हुआ था पिछले माह में, अभी भी 24 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जंगी प्रदर्शन करेंगे, और हमने अभी भी बोला था, मंच के माध्यम से बोला था कि हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम थाना में आग लगाने का काम करेंगे, और आज हम वही काम करने के लिए जा रहे थे। आज हम नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है उसका पुतला दहन के लिए पुलिस प्रशासन में रोकने के बावजूद भी हमने उनका पुतला दहन करे हैं। कल ऐसा ना हो कि थाना को भी जलाने का काम करेंगे, इसकी पूरी समाज इसका घोर निंदा करता है।